रामदास यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज वल्ला विखे आयोजित समागम दौरान पहली पातशाही साहब श्री गुरु नानक देव जी के 550 साल प्रकाश पर्व के संबंध में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुख सकत्तर डॉक्टर रूप सिंह वालों लिखित पुस्तक नू पंजाबी विश्वविद्यालय के साबका वाइस चांसलर डॉक्टर जसपाल सिंह ने रिलीज़ किया। इस मौके पर SGPC मैंबर राजेंद्र सिंह मेहता, SGPC मैंबर भगवंत सिंह सियालका, सकत्तर डॉक्टर AP सिंह, एडिशनल मैनेजर राजेंद्र सिंह रूबी समेत कई लोग मौजूद सन। इन्होंने पंजाबी यूनिवर्सिटी तो PhD की डिग्री हासिल की है और इन्हों का PhD का काम भी किसी ना किसी रूप में साडे पंथ नाल पंथ की रिवायत नाल जुड़ी हुई जुड़िया हुआ काम है। ये पुस्तक जिहड़ी है मनु बहुत खुशी हुई है कि इस पुस्तक में जिस तरह का संकलन किया गया है साडे इतिहासक धर्म स्थानों का उन्होंने जानकारी उपलब्ध कराई गई है और उसके नाल ही जिहड़ा गुरमत का गुरबाणी का गुरु नानक पातशाह की बाणी का सिद्धांत है उस बारे जो विचार चर्चा इन्हां दी पुस्तक विच कीती गई है, गुरु नानक पातशाह दीयां उदासियां बारे चर्चा उहदे विच कीती गई है। मनु लगता है कि अपने आप विच ये पुस्तक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम है। देखो मेरा मंतव इको ही सी कि सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु नानक पातशाह का 550 साल असीं प्रकाश गुरपुरब मना रहे हैं, उन्हां दे जीवन बारे, उन्हां दी शख्सियत बारे, उन्हां दी विचारधारा बारे ते उन्हां दे इतिहासक जिहड़े स्थान ने गुरद्वारे ने उन्हां बारे संखेप विच एक पुस्तक तैयार की जाए तां कि लोकां नूं गुरु नानक साहिब दी विचारधारा तो उन्हां दे जिहड़े प्रमुख इतिहासक स्थान ने चार देशां दे उन्हां बारे जानकारी दी जा सके। इस पुस्तक दे विच आरंभ विच कोई 15 कु पेज का गुरु नानक साहिब दी जिहड़ी शख्सियत रूहानी शख्सियत है उहदे बारे लिखण दा यतन कीता।